नमस्कार दोस्तों, ये ड्यूअल हेडलाइट रिले, इसके कनेक्शन के बारे में आज इस वीडियो में जानेंगे। इसमें करीबन 6 पिन आता है। इसका कपलर के साइड में जो लॉक बैठता है, ऊपर के साइड में जो 3 पिन दिख रहे, उसमें बीच में का पिन ए पॉजिटिव बैटरी पॉजिटिव का रहता है, और दोनों साइड में उसका हाई बीम और लो बीम का आउटपुट निकलता है। और नीचे के साइड में जो 3 पिन दिख रहे, इसका बीच में का पिन पॉजिटिव भी बोल सकते हैं, इसको नेगेटिव भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिले ऑपरेट के लिए रहता है। बीच में पॉजिटिव देंगे तो साइड का पॉजिटिव दोनों पिन है नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव से भी ये रिले ऑपरेट हो जाता है। और बीच में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव देंगे तो दोनों साइड के जो पिन है उसको अपन पॉजिटिव दे सकते हैं। तो इसका छोटा सा आपको टेस्टिंग भी करवाता हूँ, इसके कनेक्शन कैसे रहता है। इसका मैंने एक हेडलाइट बल्ब लिया हुआ है, उसका आपको कनेक्शन जोड़ के दिखाता हूँ। तो इसको मेन बैटरी का बल्ब को नेगेटिव दिया हुआ है, और हेडलाइट का जो दोनों आउटपुट निकलता है हाई बीम और लो बीम का, उसको मैंने ये दोनों 5 mm का जो वायर रहता है रिले से निकलने वाला, उसको मैंने ये जोड़ा हुआ है। ये देखो, रिले का दोनों साइड का जो आउटपुट निकलता है उसको मैंने हाई बीम और लो बीम का पिन वायर जोड़ा हुआ है। ये बीच में का जो वायर है ये बैटरी पॉजिटिव डायरेक्टली रहता है, उसको भी अपन पावर सप्लाई बैटरी का दे देंगे। अभी 3 वायर जो बचा हुआ है, तो उसका बीच में का जो वायर है, रिले का जो बीच में का जो वायर है, इसको पहले अपन इसका नेगेटिव दे देंगे। इसको नेगेटिव जोड़ के दे दिया, तो इसको अभी क्या करेंगे, रिले ऑपरेट के लिए पॉजिटिव सप्लाई चाहिए, तो अपन इसको पॉजिटिव सप्लाई अभी दे देंगे। ये वायर निकला हुआ था, इसको फिर वापस जोड़ देंगे। सिंपल सा कनेक्शन रहता है, मगर कई लोगों इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम जोड़ने के लिए प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए ये वीडियो है। तो इसको अभी क्या करेंगे, पॉजिटिव देंगे रिले ऑपरेट के लिए, दो साइड के जो पिन है उसको पॉजिटिव देंगे। ये देखो, ये हाई बीम, और दूसरा वायर जोड़ेंगे तो इसका लो बीम चलेगा। ये देखो, लो बीम चला आगे का। ये देखो, अभी क्या करेंगे, रिले का रिले ऑपरेटिंग का कनेक्शन अपन चेंज करेंगे। पहले अपन ने इसको नेगेटिव दिया हुआ था, इसको अभी क्या करेंगे, पॉजिटिव दे देंगे। इसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव दिया अभी कोई भी दिक्कत नहीं है, मगर जो कॉम्बिनेशन स्विच से जो सप्लाई आता है गाड़ी में, वो मारुति के व्हीकल में नेगेटिव आता है और बाकी व्हीकल में पॉजिटिव वगैरह पॉजिटिव आता है। तो इसके लिए देखो, अभी इसका नेगेटिव देंगे तो नेगेटिव से भी ये रिले ऑपरेट हो जाएगा। यही जानकारी आपको देने का था इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।